अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है, अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं। तो मैं ये लाया हूँ खरगोश नीचे से, इसमें बंद है, तब इन्हें खोलते हैं और देखते हैं इनकी कंडीशन। मतलब मैं तो रोज़ देखता हूँ लेकिन आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इन्हें ऊपर लाया तो हूँ बट वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि इन्हें धूप में लाना सही नहीं रहता है, इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है धूप से, इसलिए इन्हें नीचे ही रखता हूँ मैं कूलर में। और कबूतर वगैरह तो धूप में रह लेते हैं, तो हम इन्हें खोल कर आपको दिखाते हैं। अरे इनका ताला ही नहीं खुल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इनका ये ताला खोल दिया है मैंने। इनकी ग्रोथ देखें आप कितनी कम हो रही है यार इनकी ग्रोथ। ये कम से कम मेरे यहाँ 1 मंथ होने वाला है इन्हें, और जब ये आए थे जब ये 1 मंथ के थे, इनकी आप हालत देखें। तो इन्हें जाने देते हैं, ये देखें जाते ही साथ ही खाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इन्हें देखें टमाटर मैंने डाल रखा था। तो इनका ये घर तो आप देख सकते हैं, मैंने ये बिछा रखा है। अगर मैं ये ना बिछाऊँ ये कतरन वगैरह कपड़ों के टुकड़े, तो ये यार इतने डिस्टर्ब होते हैं यार, मतलब खरगोश जैसे लगते ही नहीं हैं, क्योंकि जो ये वो क्या बोलते हैं बाथरूम वगैरह करते हैं ना, तो उससे इनका ये पूरा गीला हो जाता है और ये इनके पैर हमेशा सने रहते हैं। इसलिए मैं घास डालता हूँ, या घास सब नहीं मिलेगी इधर, घास नहीं है तो ये मैं लाजमी बिछा देता हूँ। और मुर्गे को देखें आप कहाँ बैठा हुआ है, अभी हमेशा डराते हैं यार ये, इसे कुछ बीमारी हुई है, ये हमें काटने लगा है। ये मैं आपको देखना, ये देखें आप क्या उड़ा है भाई, अभी नीचे भी जा सकता था लेकिन भाई अपना मुर्गा प्रो है प्रो। ये देखें कबूतर उड़ गए हैं बगल वालों के, जिन्हें हमें अपना फैंसी कबूतर देना है ना वापस, उन्हीं के कबूतर हैं। तो अभी हम चलते हैं उन्हें कबूतर देने चलेंगे। पहले मैं आपसे जो सलाह लेनी थी वो लेता हूँ। और ये देखें ये जो हमारा पेयर है ना, ये देखें ये अंडों पर है, ये देखें ये बैठे हुए हैं एक साथ। तो ये तो हमारा पेयर लगा हुआ है, मैं आपको जो बात मैंने पूछनी थी वो पूछता हूँ। ये देखें इनके कबूतर देखें आप माशाल्लाह से कैसे उड़ रहे हैं। तो मेरे घर वाले मुझे एक सलाह दी है, मेरे घर वाले ने मुझे क्या सलाह दी है कि जैसे मैं केज बनवा रहा हूँ ना मास्टर केज, तो वो बनता है लोहे का चारों तरफ से जालीदार। लेकिन मेरे घर वाले कह रहे हैं अगर तुम चाहो, अगर तुम्हारा मन हो तो केज छोड़कर तुम और बड़ी जगह में ज़्यादा जगह में बनवा लो, एक पक्का होता है ना जो ईंटों वाला कमरा टाइप का, और उसमें तुम आधे में परिंदे रखो आधे में बकरी वगैरह रखो ना जो जानवर होते हैं। तो आपको ये बताना है कि हम अपना मास्टर केज बनवाएं या वैसा ही बनवा लें जिसमें हम आधे में परिंदे रखें। लेकिन उसमें मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें जालीदार नहीं होगा तो परिंदे डिस्टर्ब होंगे, उन्हें जो धूप छाँव वगैरह नहीं मिल पाएगा सही से, और बकरियाँ रखेंगे तो और भी मतलब हमें काम हो जाएगा। और आप बताएं कि हम बकरी रखें या ना रखें, या मैं तो ये सोच रहा था कि जब हमारा मास्टर केज बन जाएगा तो हम सिर्फ एक बकरी का बच्चा रखेंगे और नहीं रखेंगे। लेकिन मेरे घर वाले कह रहे हैं अगर तुम चाहो तो तुम रख सकते हो 5-6 बकरी वगैरह, और आधे में अपने ये रख लो। लेकिन यार अब हम बकरी नहीं रख सकते, क्योंकि फिर उसमें गंदगी भी होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैं एक बस बकरी का बच्चा रखूँगा, वो भी अपने मास्टर केज के ही अंदर। तो अब क्या करना है हमें, और केज का हमारा काम कल से शुरू हो जाएगा, कल है 23 तारीख, तो 23 तारीख से हमारा काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। और हो सकता है आज मेरे एक रिश्तेदार आ रहे हैं मेरे घर पर, हो सकता है मैंने उनसे कहा था कबूतर उनके यहाँ मिल रहे थे फ्री में, कोई अपने कबूतर दे रहा था तो मैंने उनसे कहा था, तो शायद हो सकता है वो आज हमारे लिए 10 कबूतर लाएँ। तो देखते हैं अगर आते हैं वो कबूतर तो मैं लाजमी शाम को वीडियो बनाऊँगा, आज शाम को ही वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो मुर्गे को मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बैठे हुए हैं। ये देखें आप मुर्गे देखें ये कैसे बैठे हुए हैं, मैं फिर से डराऊँगा यार, बहुत मज़ा आता है। ये देखें खरगोश हमारे काफ़ी फ्रेंडली हैं, ऐसे ही कितना अच्छा लगेगा जब ये हमारे मास्टर केज में फिरेंगे। तो अब इस फैंसी को मैं उन्हें वापस करने जाऊँगा तो उसे पकड़ लेते हैं। आजा मेरे भाई, एक कबूतर हमारा आ गया है, वैसे हम बिठालते हैं अपने कंधे पर, मैं बिठाल रहा था और ये उड़ गया है। तो चलें हम इसे थोड़ा और घूमने देते हैं और क्या करते हैं, और अब वीडियो को एंड ही करते हैं यार अब। लेकिन आपको ये लाजमी बताना है कि हम बकरी 5-6 पालें और मास्टर केज की जगह
गुम्मे वाला कमरा बनवाएं, जो ईंटों वाला होता है कमरा टाइप का, वो बनवाएं और बकरी उसमें रखें, और परिंदे भी रखूँगा मैं आधे में, वो सही रहेगा या मास्टर के सही रहेगा ये आपको लाजिम बताना है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।